वेलकम बैक अगेन। तो स्वीडन के बारे में मैंने आप लोगों को बहुत सारा चीज़ बता दिया है अभी तक, लेकिन एक चीज़ मैंने आप लोगों को नहीं बताया कि यहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन कितना है, तो आज वो भी बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो इंडियन पॉपुलेशन है वो ऑलमोस्ट 40,000 to 50,000 है। तो आप सोच सकते हैं कितना कम है कंट्री के हिसाब से देखा जाए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि यहाँ पे इंडियन सामान जो हम लोग का बेसिक ग्रोसरीज वगैरह होता है, जैसे कि आटा चावल दाल ये सब चीज़ें वगैरह हो गया, कि हम लोग का इंडियन रेस्टोरेंट्स वगैरह हो गया, जो भी सारा हम लोगों का नॉर्मल बेसिक चीजें होता है, वो सारा चीज मिलने में कितना मुश्किल होता होगा। दो जहाँ पे मैं रहती हूँ वो स्वीडन का थर्ड लार्जेस्ट सिटी है, अगर यहाँ पे ये सिचुएशन है तो दूसरी जगहों पे और कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा। तो आज हम लोग एक चलते हैं यहाँ पे एक इंडियन ग्रोसरी शॉप और वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या क्या इंडियन सामान यहाँ पे मिलता है। तो अगर हम लोग इंडिया से स्वीडन मूव कर रहे हैं तो हम लोग के लिए कितना ईजी होगा यहाँ पे रहना, यहाँ पे सर्वाइव करना, तो ये सारा चीज आज हम लोग चेक कर। तो चलिए अभी हम लोग ग्रोसरी शॉप के लिए निकलते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड देन। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे बैठ के क्यों शूट कर रही हूँ, बाहर भी तो शूट कर सकती हूँ, बाहर बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, तो मैंने सोचा कि इंट्रो यहीं पे ही शूट कर दूं, तो यहीं पे ही शूट कर दिया। एक और इम्पोर्टेंट बात मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, आप लोग वीडियो देखने के बाद प्लीज लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं। आप लोगों को अच्छा बुरा जो भी लग रहा है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, मुझे वो मोटिवेट करेगा और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज लाइक्स एंड कमेंट्स कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए पहले, और साइड में जो नोटिफिकेशन बेल होगा उसमें ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हम लोग आ गए स्पाइसेस सेक्शन में, ये पूरा जो देख रहे हैं आप पूरा स्पाइसेस सेक्शन में, चिली पाउडर चिली फ्लेक्स सब यहाँ पे दिख रहा है। तो वन बाय वन मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या क्या यहाँ पे है, जैसे कि ये छोटा वाला चिल्ली हो गया, बड़ा वाला चिल्ली हो गया, चिली फ्लेक्स बड़ा वाला पैकेट, सिनेमन पाउडर, हल्दी पाउडर भी है, बड़ा छोटा सब टाइप का पैकेट यहाँ पे मिल जाता है। और नीचे आप देख रहे हैं कोरिएंडर, होल कोरिएंडर और गरम मसाला पाउडर, कोरिएंडर पाउडर भी मिलता है यहाँ पे। और ये लौंग, क्यूमिन जीरा पाउडर, इलायची, छोटी इलायची बड़ी इलायची दोनों हैं, पंचफुटन यहाँ पे आ गया, सौंफ, और ये बहुत सारे ब्रांड्स का चिली पाउडर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, मेथी और मेथी पाउडर, और यहाँ पे तंदूर मसाला, पेपरिका पाउडर, और ये ब्लैक पेपर पाउडर भी है, और होल ब्लैक पेपर भी है, करी पाउडर, ब्राउन मस्टर्ड सीड्स, ब्लैक मस्टर्ड सीड्स, बेजिल्स, थाइम, और साबूदाना भी यहाँ पे मिल जाता है, बहुत सारे आप देख सकते हैं। और ये है फूल मखाना, जिंजर पाउडर, धनिया पाउडर, जो भी मुझे मिल रहा है मैं आपको बोलती जा रही हूँ। और नीचे देखिए रेड रॉ राइस मिलता है, जो एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये फूल मखाना। और ये सोया चंक्स भी मिल जाता है यहाँ पे, बे लीव्स तेज पत्ता जो, और ये बहुत सारे पिकल्स भी यहाँ पे है, यहाँ पे मूंग का फ्लोर भी मिल जाता है, और ये पफ्ड राइस भी मिल जाता है यहाँ पे ऐसे पैकेट में, रोस्टेड उपमा सूजी, रोस्टेड मूंग फ्लोर, और ये पोहा भी मिल जाता है, पतला मोटा दोनों टाइप का मिल जाता है यहाँ पे। और ये देखिए स्टीम डाटा फ्लोर, ये जो पतला वाला पोहा है वो है,
और यहाँ पे बहुत सारे नट्स है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, और यहाँ पे रोस्टेड उपमा, सूजी, जवार फ्लोर, उड़द फ्लोर, और ये पूरा घी का सेक्शन आ गया, ऑर्गेनिक घी, और ये ऊपर ऑयल जो हम लोग का मस्टर्ड ऑयल होता है वो सारा भी यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पतंजलि घी भी मिल रहा है, रागी का फ्लोर भी है, और ये भी पूरा ड्राई फ्रूट सेक्शन आ गया फिर से। और यहाँ पे बाजरा फ्लोर भी मिलता है, बाजरा सीड्स भी मिलता है यहाँ पे, और ये बहुत सारा खाकरा का वैरायटीज आप देख रहे हो, क्यूमिन, प्लेन, मसाला, बहुत सारा खाकरा का वैरायटीज भी मिल जाता है। और ये है जो कोकोनट ऑयल हम लोग कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं वो। और यहाँ पे देखिए गोलगप्पा का पैकेट भी मिल जाता है, नीचे कैश्यू वगैरह रखा हुआ है। और ये ऊपर भी बहुत सारा ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, रेजिन्स वगैरह, और ये थोड़ा हल्दीराम का लड्डू, सोन पापड़ी वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है, नमकीन वगैरह भी है। यहाँ पे छोटा मोटा बहुत सारा पापड़ वगैरह भी है, और ये आप देख सकते हैं चना वगैरह भी है, जो रोस्टेड चना वगैरह होता है। और ये छोटा सा पापड़ मैं ले रही हूँ, वही आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्यूमिन जीरा। और यहाँ पे प्राइम्स वगैरह भी मिल जाता है, बहुत सारे हैं एक्चुअली यहाँ पे। और ये है पूरा बिस्किट्स का सेक्शन, देख सकते हैं आप, फावो, मोनाको, और हाइड एंड सिक, गुड डे, पार्ले जी, और ये गुलाब जामुन भी आप देख सकते हैं हल्दीराम का, ऐसे ऊपर रस्क, पार्ले जी बिस्किट भी मिल जाता है यहाँ पे, बहुत सारे बिस्किट्स एक्चुअली मिल जाते हैं जो हम लोग इंडिया में हम लोग को मिलता है। और ये देखिए मंकी नट्स, मैगी का सेक्शन आ गया, नीचे कुरकुरे भी है, और इसके साइड में ही है बहुत सारे नमकीन्स जो हम लोग स्नैक्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक्चुअली वैरायटीज। आप देख ही सकते हैं कितना है। हल्दीराम का मिल जाएगा, बिकानो का मिल जाएगा आपको, रुचि का मिल जाएगा, बहुत सारे ब्रांड्स का मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये स्वीट्स सेक्शन आ गया, आजकल यहाँ पे स्वीट्स भी मिलने लगा है। और यहाँ पे लिज्जत पापड़ भी देख सकते हैं आप, मिल रहा है। और ये आ गया दाल का सेक्शन, मूंग दाल, उड़द दाल, और रेड दाल भी मिल जाता है यहाँ पे। और ये देख सकते हैं होल काओ पीस, और ये येलो पीस, और नीचे ब्राउन लेंटिल्स, ग्रीन लेंटिल्स, होल उड़द, उड़द दाल आप देख सकते हैं, हाफ वाला भी है, और पूरा वो गोटा उड़द भी मिलता है यहाँ पे, ये गोटा वाला। और उड़द बीन्स भी यहाँ पे मिल जाता है। ये पूरा दाल का सेक्शन है, यहाँ पे रेड स्किन पीनट्स भी आप देख सकते हो, तूर दाल आ गया, चिक पीस, ब्राउन चिक पीस, ये ब्राउन चिक पीस, और ये है पूरा आटा का सेक्शन आप देख सकते हैं, शक्ति भोग, पिल्सबेरी, आशीर्वाद, बहुत सारे आटा का ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
सब 5 kg 10 kg ऐसा ही रहता है। और ये भी है पूरा एलिफेंट आटा, बहुत सारे एक्चुअली है। और ये आ गया वेजिटेबल सेक्शन, आप देख सकते हैं रॉ बनाना, अंदर 2 टाइप का अनियन आपको मिल जाएगा, छोटा अनियन भी है, इमली, पोटैटो, ड्रमस्टिक, परवल, कैप्सिकम, बहुत सारे वेजिटेबल्स का नाम भी नहीं मुझे पता है, आप देख सकते हैं। गाजर वगैरह है, रॉ बनाना, ककड़ी, और ये पता नहीं क्या है, और ये कुंदरू भी है यहाँ पे, स्प्रिंग अनियन, ऑरेंज, नीचे पपाया है, यहाँ पे ब्रिंजल रखा हुआ है, भिंडी, ऊपर टमाटो है, तो बहुत सारे वेजिटेबल्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लौकी, तुरई, बहुत सारा मिल जाता है। ये मैंगो भी देख सकते हैं आप, रॉ मैंगो, लाइम, करेला, ये देखिए रॉ पपाया, और ये हम लोग लौकी ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोकोनट भी मिल जाता है, और ये है एलोवेरा, पता नहीं इतना बड़ा एलोवेरा क्या होगा, और ये है स्पिनच जो हमारे इंडिया में भी मिलता है। और यहाँ पे हम लोग आ गए राइस सेक्शन में, बहुत सारे राइस वैरायटीज भी आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पे, बहुत सारे ब्रांड्स भी है, जैसे कि आटा में भी था, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को पूरा दिखा देती हूँ, एक एक आपको दिखा दूँगी क्या क्या है। जैसे कि इंडिया गेट बासमती राइस, सोना मसूरी राइस, ये देख सकते आप सोना मसूरी राइस लिखा हुआ है, इडली राइस, ये पूरा जितना आप देख रहे हैं सारा राइस का सेक्शन है, 10 किलो 5 किलो इसी टाइप का ही यहाँ पे मिलता है। तो छोटा बड़ा सब साइज का राइस आप लोगों को मिल जाएगा, जो लॉन्ग ग्रेन राइस होता है वो भी मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको पाराबॉइल्ड राइस भी मिल जाएगा। ये देखिए इंडिया गेट बासमती राइस, और ये पाराबॉइल्ड राइस, और ये है रेड चिल्ली पापड़ सेक्शन, लिज्जत पापड़ सेक्शन, जीरा पापड़ सेक्शन, जो भी मुझे मिल रहा है मैं आपको रैंडमली दिखाती जा रही हूँ। यहाँ पे कुछ और आ गया नमकीन का सेक्शन, ये देखिए नीचे रुचि का कुछ रखा हुआ है, नमकीन वगैरह, हल्दीराम का, सारे उसमें प्राइसेस वगैरह भी लिखा हुआ है, जैसे कि एक लेंगे तो आपको 20 कोना का लगेगा, 3 लेंगे तो और थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा, पूरा प्राइसेस वगैरह लिखा हुआ है, पर मैं आप लोगों को प्राइसेस नहीं बता रही हूँ, बस आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि ये सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसा नहीं है कि इंडियन सामान यहाँ पे नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है एक्चुअली। और यहाँ पे देखिए कुछ एक अफ्रीकन सामान वगैरह भी मिल रहा है, नीचे पीनट्स वगैरह रखा हुआ है, और ये कुछ बच्चों का खाना वगैरह भी है, जो सेरलक वगैरह, और ये मिल्क पाउडर भी मिल जाता है, कस्टर्ड पाउडर, और यहाँ पे हॉर्लिक्स वगैरह भी मिल जाता है, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माइलो, बहुत सारा मिल जाता है एक्चुअली। ये देखिए बूस्ट भी है, माइलो, ब्रू, कॉफ़ी मेट, नेस्कैफे,
यहाँ पे बहुत सारे कस्टर्ड पाउडर वगैरह रखा हुआ है। और ये जो है जो सारा मैं दिखा रही हूँ आपको, आप देख सकते हैं नेशनल ब्रांड और शान ब्रांड का है, इंडियन ब्रांड भी है। तो बहुत सारे, मतलब जो भी आप चूज़ करें आपके पास ऑप्शन बहुत है यहाँ पे। ये सारा जो आप देख रहे हैं नेशनल एंड शान, जो स्पाइसेस वगैरह हम लोगों को मिलता है, करी पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया, वो सारा चीज़ आप देख सकते हैं, चना चाट मसाला, दही वड़ा, चिकन का भी है। ये नीचे चाय का सेक्शन आ गया, रेड लेबल, बाग बकरी, टाटा टी प्रीमियम, टाटा टी गोल्ड, और ये है पूरा प्रिया का पिकल सेक्शन। बहुत सारे पिकल्स एक्चुअली इसमें भी मिल जाते हैं, देख सकते हैं आप। ड्रमस्टिक का पिकल भी मिलता है, ब्रिंजल का पिकल भी मिल जाता है। ये देखिए ड्रमस्टिक का पिकल, करेला का भी पिकल है और ब्रिंजल का भी। और ये आ गया पूरा एवरेस्ट का स्पाइसेस सेक्शन, सब्जी मसाला, राजमा मसाला, पानीपुरी मसाला, बहुत सारे हैं। आप देख सकते हैं रेट्स वगैरह लिखा हुआ है, एक का 16 और तीन अगर आप लोग लेंगे 45 का मिलेगा, करी पाउडर वगैरह, चिकन मसाला। और ये आ गया MDH का पूरा मसाला सेक्शन, जलजीरा पाउडर भी मिल जाता है यहाँ पे, जलजीरा मसाला, किचन किंग गरम मसाला, पुलाव मसाला, पानीपुरी मसाला, पाव भाजी, और ये आ गया प्रिया का मसाला सेक्शन। सांभर मसाला, फिश मसाला, एग मसाला। और ये जो पूरा सेक्शन है ये है रेडी टू कुक वाला सेक्शन। पूरा आप देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शन है यहाँ पे, पंजाबी छोले, पालक दाल, रेडी टू ईट वड़ा, गुलाब जामुन मिक्स भी मिल जाता है यहाँ पे, उपमा, मटर पनीर, पाव भाजी, भिंडी दो प्याजा, पनीर मक्खनी, राजमा मसाला, रसम पाउडर भी मिल जाता है, ढोकला, तो आप देख सकते हैं इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा रेडी टू कुक में। और ये सेवैया भी यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह भी यहाँ पे मिल जाता है, दिखा रही हूँ प्रिया का। टैमरिंड पेस्ट भी मिल जाता है, ग्रीन चिली पेस्ट, रेड चिली, इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। और ये मैगिस चिली सॉस, सोया सॉस, रेड पेपरिका सॉस, नीचे कस्तूरी मेथी, चीनी, और ये कुछ टमाटो दाल, आंध्रा वेज पुलाव, ये है बेसन। यहाँ पे कुछ एसेंस वगैरह भी है, फूड कलर, वैनिला एसेंस, बहुत सारे मिल जाते हैं यहाँ पे। और ये टैमरिंड आप देख सकते हैं, और ये विनेगर सेक्शन,
गुलाब जामुन मिक्स, दही वड़ा मिक्स, उपमा, मेयोनीज, कॉर्नफ्लोर, रोज वाटर, आलमंड ऑयल आ गया, हेयर ऑयल जो भी है वो भी यहाँ पे बहुत सारी हेयर ऑयल वगैरह भी मिल जाता है, डेटॉल, पैराशूट का भी कोकोनट ऑयल मिल जाता है, डेटॉल सोप, वाटिका, वाटिका का बहुत सारा चीज़ यहाँ पे था, पता नहीं क्या क्या था, मुझे इतना नहीं पता है इसके बारे में, हेयर मास्क, हेयर ऑयल बहुत सारा था एक्चुअली, और ये है पैराशूट कोकोनट ऑयल, और ये हिमालय का सोप, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल, वाटिका, वाटिका का भी बहुत सारा था, मैसूर सैंडल टाल्क, डाबर का भी है, मार्गो, मार्गो का सोप भी यहाँ पे मिलता है, हिमालय, शिकाकाई का ऑयल, नवरत्न तेल, डाबर आमला हेयर ऑयल, नवरत्न तेल भी मिलता है यहाँ पे, ठंडा ठंडा, कूल कूल, वैसलीन, और यहाँ पे पूजा का सामग्री भी मिल जाता है, जैसे कि धूप वगैरह हो गया, पाउडर हो गया, गुलाल पाउडर, सिंदूर, तो छोटा मोटा पूजा के लिए भी जो चाहिए होता है वो भी मिल जाता है, कुमकुम, मेहंदी भी यहाँ पे रखा हुआ है, दुल्हन मेहंदी, और ये देखिए दिया भी मिल जाता है, जॉनसन्स बेबी का भी कुछ प्रोडक्ट है यहाँ पे, हिमालय का फेस वॉश सेट है, और ये नीचे धूप पत्ती वगैरह रखा हुआ है, और ये है जॉनसन्स बेबी का पाउडर, लोशन, जो भी मुझे मिल रहा है मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, हीना पाउडर, च्यवनप्राश, हींग, वाटिका का हेयर कलर, रू अफ्जा, हो इनो भी मिलता है, और ये है सत इसब गोल, इसका क्या यूज है आप लोगों को पता ही होगा, ये है कुछ हवन सामग्री लिखा हुआ है तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया, हवन वगैरह करवाना है तो ये आप ले सकते हैं, क्या है इसमें मुझे नहीं पता, और ये है एंटी लाइस शैम्पू, और ये है वो पूरा शॉप। तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि यहाँ पे काफ़ी कुछ सामान वगैरह मिल जाता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत पैसे में कम ज़्यादा हो सकता है, बट इट्स ओके, पर हमारे वहाँ का जो चाट एंड गोलगप्पे इट्स ऑसम, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिलेगा, तो आप वो सारा चीज़ मिस कर सकते हैं। ठीक है, बारिश स्टार्ट हो गया है, बस भी आने वाला है, मुझे भागना पड़ेगा। अच्छा, और एक चीज़, मैं फ्रिक्वेंटली वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मुझे कुछ अच्छा कॉन्टेंट मिलेगा तो ही मैं वीडियो बनाऊँगी, आप भी बोर हो जाओगे देखने के लिए और मैं भी बोर हो जाऊँगी, क्योंकि उसमें अगर कुछ अच्छा चीज़ नहीं होगा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट किए होंगे तो जब भी मैं वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन चला ही जाएगा, तो प्लीज नोटिफिकेशन में ऑल सिलेक्ट जरूर करना। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अगर आप मेरे वीडियो देख चुके हो, अच्छा भी लगा है, तो लाइक्स एंड कमेंट्स कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, भूल जाते हो आप, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।